ਉਹ ਸੀ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਪਾਲਾ ਰਸਾ ਜਮਾ वो जो हम गेहूँ पकड़ रहे हैं ना बहुत मेहनत लगी हमको अभी जब देखो ये हीरे के पास थी और उसको पकड़ते पकड़ते इतने उसको पकड़ते पकड़ते ये देखिए अभी इसका डर रहता हमें इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते अच्छा जी लेकिन धीरे धीरे अब हम देखेंगे ये कहाँ पे बैठती है हाँ जी थकती है थोड़ा सा तब हम इसे पकड़ेंगे जी ठीक है जी आप बड़े बाजार में मतलब आपको रिस्क रहेगा रिस्क हमको भी रहता है हम ज़्यादा हमारी जगह कम जाते ना लोगों की फिक्र ज़्यादा करते हैं हम ठीक है जी इसके कारण किसी को चोट ना लगे ठीक है जी गाय के मुझे कोई जख्म तो नहीं दिख रहा है इसके माथे पे बहुत बड़ा जख्म है 3-4 दिन से हम ढूंढ रहे हैं ठीक आज जाके मिली है भी हम ठीक है जी को क्या लगता है पकड़ पाओगे इसे आज हाँ हाँ कोशिश तो पूरी जारी है अभी हमको लगता है कि हमारा घर गौशाला नजदीक ही है हम शायद जी वहीं पे पहुंच जाए अगर वहाँ पे पहुंच गया तो इसका ट्रीटमेंट और अच्छे से हो जाएगा ये जो आप गायें पीछे देख रहे हैं इसके हालत बहुत गंभीर है और इसके माथे पर गहरा जख्म है हमें 2-3 दिन पहले से बहुत वक्तों का फ़ोन आ रहा है कि ये गायें बहुत बीमार है और इसका इलाज किया जाए ये गायें हमारे गौ सेवा प्रभाग के हॉस्पिटल से 2-3 किलोमीटर दूर थी और हम इसको पकड़ने के लिए हमारे हॉस्पिटल से 2-3 किलोमीटर दूर चले गए और ये गायें अपने आप हमारे गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में चली आई और हमने सब परिवार के मेंबरों ने इसका इलाज यहाँ किया अब आइए मैं आपको इसका जख्म दिखाता हूँ पहले कैसे था और अब इसका इलाज होने के बाद ये जख्म कैसे है देखो जो हमारे गौ सेवा परिवार के मेंबर आशु जी इसको गुड़ वाला पानी पिला रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए